पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये एनजीओ तेरी मदद जरूर करेगा कथा। कथा तू परेशान मत हो, हम ना ट्रस्टी से बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आई मीन ही शुड डेफिनेटली हेल्प। मेरा लक कितना खराब हो सकता है यार। मुझे लगा था कि एनजीओ वाले कुछ नहीं तो हमारी थोड़ी सी मदद तो करेंगे अमाउंट रेस करने, पर अंदर वो फाइलें नहीं है। उम्मीद में बैठे बच्चों की कतार है, उम्मीद में बैठे बच्चे मेरे आरव की तरह, जिन्हें लगता है कि उनके मम्मी पापा कुछ भी करके उनका इलाज जरूर करवाएंगे। तो उस लाइन को जम करके मैं किसी के हक की जिंदगी अपने बच्चे के लिए कैसे मांग लूं यार? कैसे किसी माँ को कहूं यार कि मेरा बच्चा आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बीमार है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हमारी कंपनी से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल पाया गया है। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन आपको ऑफर किया जा रहा है। आपको बस हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेना है और उससे 50,000 की शॉपिंग करनी है। उसके बाद कौन था? रेवा, हम अपने ऑफिस से लोन नहीं मांग सकते हैं क्या? आई मीन एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना। कथा, यू नो इट्स नॉट पॉसिबल राइट? तू ऐसे बोल भी मत ओके? तू क्यों भूल जाती है कि ऑफिस में किसी को पता भी नहीं है कि तू एक माँ है, तेरा एक बेटा है, उनके लिए तू सिंगल है ओके? और तुझे पता है ना कि तुझे ये जॉब भी इसीलिए मिली है क्योंकि उनको लगता है कि तेरी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। हम लोगों ने झूठ बोला है यार कथा, इस जॉब के लिए। प्लीज़ आरव के बारे में किसी से मत कहना। यू लूज योर जॉब एंड यू नीड इट राइट नाउ राइट? पर यार झूठ जान से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। आई नो मैंने झूठ बोला था बिकॉज आई वॉज डेस्परेट फॉर दिस जॉब, बट अब मैं और भी ज्यादा डेस्परेट हूँ एंड यू नो दिस सिचुएशन इज सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ओके, शायद ऑफिस में एक इंसान है जो तेरी मदद कर सकता है। कौन? जीतू सर, ही इज सीनियर मोस्ट इन द ऑफिस नो। व्यान सर, एहसन सर, उन सब के मतलब फादर के टाइम से हैं वो तो, एंड ही इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सबकी मदद करते हैं, एडमिन एचआर सब सुपरवाइज करते हैं। पर सुन, You have to be very careful with your words. आरव का नाम मत लेना, okay? Say it's for something personal. How is it not personal? और professional level पे मैंने क्या गलत किया है? मैं उस आदमी के पास सिर्फ अपने ideas share करने गई थी. And without even listening to my termination letter पढ़ा है आपने? उसमें सब कुछ mention है. लाओ मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। Your performance did not match the company's expectations, and hence the top management has decided to terminate your services. That's all. Nothing personal, you see. Oh really? It's not. यहाँ पे किस टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है? मैं जानती हूँ। उसे क्या लगता है कि जो वो चाहेगा वही होगा? That ill-mannered, rude woman hater. Enough. उनका नाम वियान सर है।
और उनके बारे में अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट से बात करता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है, इसलिए ड्रामा बंद करो। क्योंकि अगर इनडिसेंट और अनप्रोफेशनल बिहेवियर के टैग के साथ तुम गई ना, तो किसी और कंपनी में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। इसलिए मोहतरमा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू बाहर की तरफ प्रस्थान कीजिए, ताकि मुझे सिक्योरिटी को ना बुलाना पड़े। बंद कमरे में जो हुआ सो हुआ, तुम्हें ऐसे सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए था। मैम, योर एक्सेस कार्ड हैज बीन डिनाइड, यू कैन प्लीज टेक दिस एग्जिट। 1 करोड़? कथा, तुम अभी परमानेंट भी नहीं हुई हो, इतना बड़ा लोन कैसे मैनेज हो सकता है? कथा, आई नो सर, लोन अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मुझे अर्जेंटली जरूरत नहीं होती तो मैं आपके पास नहीं आती। लेकिन सर, मेरे पास ना रीपे करने का भी प्लान है। मैं हर महीने अपनी सैलरी में से 80% कट करवाऊंगी, एक्स्ट्रा आवर्स काम करूंगी, और इसी फाइनेंशियल ईयर में ना सर, मैं 2 नए प्रोजेक्ट्स ला के दूँ, एटलीस्ट 2। कितने साल तक रीपेमेंट करोगी तुम? कथा, तुम एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड आर्किटेक्ट हो, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो बेटा, तुम्हारे इतने अच्छे फ्यूचर को तुम इस लोन के तले क्यों दबाना चाहती हो? सर, मैं, खैर, वैसे भी टेम्पररी एम्प्लॉयज को लोन देना कंपनी के पॉलिसीज के खिलाफ है, इसलिए फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ कि तुम जल्दी से परमानेंट हो जाओ, ताकि फ्यूचर में कोई छोटे मोटे लोन की जरूरत पड़े ना, तो मैं यूं पास करा दूंगा, आई प्रोमिस यू। क्या हुआ कथा? सब कुछ ठीक तो है ना? और अचानक इतने बड़े लोन की जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें? एनी हेल्थ इश्यूज? घर में कोई बीमार है क्या? कथा, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स अब नहीं है और तुम सिंगल हो, कोई और है क्या? No, sir. बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। कथा, ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करना, लेकिन कैसे करूँ? आई जस्ट डोंट नो, आई एम सो सॉरी। आपको लोन दे रहे हैं क्या आप? हाँ, तो सुनिए, 1 करोड़ का लोन चाहिए मुझे, लाइए दीजिए। दे सकते हैं? कैश चाहिए या चेक? कौन बोल रहा है? आई कथा, आई एम अनिरुद्ध वर्मा, द एमडी ऑफ पिरामिड ग्लोबल आर्किटेक्चर लिमिटेड। आई एम सो सॉरी सर, मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि आपका फोन है। कोई बात नहीं, होता है, दैट्स ओके। आप किसी लोन के बारे में बात कर रही थी? No, sir, वो... And it sounds like a... huge amount. बोलिए, क्या चाहिए आपको? Cash या... Check, I can arrange. Actually, sir, I'm already working for... I know where you work. But I also know कि अगर 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो जरूर कोई इमरजेंसी होगी। देखिए, हमारा ऑफिस आपके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है। आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। So come down. बैठ के बात करते हैं। Bye. She's coming. Please come. Hi, Katha Singh. Hi, Vivek. Please. Hi, Katha. I'm Anirudh. Hi, I'm Katha. Please have a seat. Thank you. आपके लंच ब्रेक का टाइम हो गया ना विवेक, शुड बी ऑर्डर समथिंग? नो, थैंक यू सो मच सर, एक्चुअली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, देन आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम एंड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, व्हिच इज आई लाइक योर डिजाइंस।
थैंक यू सर. बहुत अच्छे है, मैंने आपका काम देखा है. और मैंने सुना है वो दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट वाले डिजाइन भी आपके ही हैं जिन्हें मिस्टर अब्दाली ने शेख को प्रेजेंट किए थे. Congratulations on that as well. Thank you. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.